हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम लौकी के मुठिये बनाएंगे और लौकी के साथ ही मैंने इसमें पोहे और मेथी भी इस्तेमाल की है और ये बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी भी है। हमने एक बोल लिया है जिसमें मैंने 2 कप जितने पोहे डाले हैं और फिलहाल तो ये मोटे पोहे हैं और ड्राई पोहे हैं। इसको हमें एकदम अच्छी तरह से धोना है। इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से पानी ले सकते हो। और इसमें पानी डाल के उसको थोड़ा अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करके ये पानी हम निकाल देंगे, उसको छान के निकाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक लौकी ली है, 350 ग्राम जितनी है ये लौकी। आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। इसको हम एकदम अच्छे से पील कर लेंगे, ऊपर का छिलका निकाल के इसको धो लेंगे और फिर इसको एकदम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। इसमें अब मैं पोहे डालूंगी जो कि हमने 10 मिनट के लिए साइड में रख लिए थे। इसको इसमें मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से। ये मैंने ग्रेटेड अदरक ली है 1/4 टेबलस्पून जितनी। आधा टेबल स्पून जितनी हम इसमें लहसुन भी डालेंगे और हरी मिर्च 2 उसको एकदम बारीक चॉप करके डालेंगे। हमें और भी नमक ऐड करना है तो हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे। ये हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, लाल मिर्ची पाउडर आधा टेबल स्पून जितना लिया है हमने, धनिया पाउडर आधा टेबल स्पून, मेथी के दाने लिए हैं 1/4 टेबल स्पून, जीरा 1/4 टेबल स्पून और तेल डालेंगे इसमें आधा टेबल स्पून। ये मेथी है जिसको कि मैंने एकदम अच्छे से धो लिया है, 100 ग्राम जितनी लिए, इसको एकदम अच्छे से साफ करके धो के डालिए। आटा लिया है हमने 2 कप जितना, इसको हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें पोहा और मेथी होने की वजह से ऑलरेडी ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें पानी की जरूरत नहीं है, और फिर भी चाहे तो आप डाल सकते हो। ये देखिए हमारा आटा एकदम सॉफ्ट हो चुका है। ये हमने एक बर्तन लिया, स्टीम कुकर है जिसमें मैंने 2.5 गिलास जितना पानी डाल दिया है और इसमें मैं एक रिंग रखने वाली हूँ स्टील की और इसके ऊपर एक मैं ट्रे रखूंगी जिसको ग्रीस कर लिया है मैंने ऑयल से। पूरा मैंने इसको ग्रीस किया है, ऑयल लगाया एकदम अच्छे से और इसको हम प्री हीट के लिए रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। इसको ढक के रखना है मीडियम हीट पर, मीडियम से आप थोड़ा स्लो भी रख सकते हो गैस को। और यहाँ पर जो हमारा आटा है इससे हम मुठिये बनाएंगे, इसको सिलेंड्रिकल शेप देना है। तो हाथों को ग्रीस करके और इसके छोटी छोटी लोई लेकर आप इसका सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हो। ये देखिए, ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है, नहीं तो इसको पकने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह से हम सारे मुठिये तैयार कर देंगे। ये देखिए हमने मुठिये बना दिए हैं, सारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको प्री हीट कुकर में डालेंगे। ये देखिए हमारा कुकर गर्म हो चुका है। एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें सारे मुठिये एक साथ नहीं डालने हैं। सबसे पहले आप 7 से 8 पीस इसमें डाल सकते हो मुठिये के, और जब ये गर्म हो जाए 10 मिनट के लिए इसको फिर से आप गर्म कीजिए 5 या 10 मिनट के लिए। थोड़े उस पर भाप बन जाए तब आप फिर दूसरे मुठिये और डालिए इसके ऊपर। इसी तरह से आप जितनी क्वांटिटी उसके हिसाब से 5-5 मिनट उसको गर्म करके और मुठिये ऊपर से ऐड कर सकते हो। अच्छा, उसके पीछे एक रीजन है, इससे वो चिपकेंगे नहीं एक दूसरे से। आप देख लीजिए, यही प्रोसेस हमको फॉलो करना है। इसको ढक के रख लीजिए अभी। और हमको मुठिया बनाने में कम से कम 40 मिनट लगते हैं। आपको मीडियम से थोड़ा सा स्लो फ्लेम पर रखना है गैस को, कम से कम 40 मिनट्स लगेंगे। और आपको चेक करना है तो इसमें आप चाकू डाल के देख लीजिए, अगर ये चिपकती नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके मुठिये तैयार हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद करके इसको 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और उसके बाद सारे मुठिये एक प्लेट में या फिर एक बड़े बर्तन में निकाल देंगे। और सारे आप एक साथ ना निकालो तो ठीक है, क्योंकि हमें इसको काटना भी रहता है, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेकर उसको काट सकते हो।
ये देखिए हमें इस तरह से काटने हैं मुठिये। सो ये थोड़े थोड़े अगर आप निकालोगे तो क्या ठंडे भी हो जाएंगे, आपके हाथ भी नहीं चलेंगे और आप इसको आसानी से काट सकते हो। और इसको ज्यादा बड़े टुकड़ों में भी नहीं रखना और एकदम ज्यादा छोटे टुकड़ों में भी नहीं काटना है, मीडियम टुकड़ों में आप इसको काट सकते हो। इसी तरह से हम सारे मुठिये काट देंगे। इसमें अब हम नमक मिलाएंगे ऊपर से, और थोड़ा ही नमक मिलाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें नमक मिला चुके हैं हम इसमें। और लाल मिर्ची पाउडर मिलाएंगे 1/4 टेबलस्पून जितना, क्योंकि हमने मिर्ची पाउडर भी मिलाया हुआ है इसमें। ये हमने तिल लिए हैं, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, तो ये मैं 1 टेबलस्पून जितना इसमें ऐड करूंगी। और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। आप चाहो तो हाथ की सहायता से भी इसको मिक्स कर सकते हो। चलो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, प्री हीटेड पैन, जिसमें कि 1 टेबलस्पून जितना ऑयल मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे इसमें। ये ऑयल जब गर्म हो जाता है तब हम इसमें राई डालेंगे। क्रैकल्स हो रहे हैं, अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून जितना राई डालेंगे और 1/2 टेबलस्पून जितना जीरा डालेंगे। और धीरे धीरे करके सारे मुठिये इसमें ऐड करते रहेंगे। एक साथ सारे मुठिये इसमें ऐड नहीं करने हैं, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के एकदम अच्छे से मिक्स करते रहिए ताकि पूरा अच्छे से ये हर तरह से पक जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसको टॉस भी कर सकते हो, टॉस करने से एकदम प्रॉपरली ये मिक्स हो जाते हैं। तो अब हम इसको ढक के रख लेंगे 2 मिनट के लिए, स्लो फ्लेम पर रखना है। 2 मिनट के बाद आप देखिए इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और ये तैयार हो जाएंगे सर्व करने के लिए। आप इसको गर्मा गर्म कड़ी के साथ सर्व कर सकते हो। आई होप यू विल लाइक दिस रेसिपी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, आप सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी रेसिपी देखते रहिए इसी प्रकार से। थैंक यू सो मच।